बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टाइप्स ऑफ बसेस। तो बस तीन टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज द रेफरेंस बस, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लैक बस, स्विंग बस या रेफरेंस बस। इसमें दो वेरिएबल स्पेसिफाइड हैं, दो वेरिएबल्स अनस्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड कौन से हैं, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल, फेज एंगल। तो जो बच गए जो फोर, जो हमारे जो वेक्टर्स हैं, अब कौन से फोर वेरिएबल्स होते हैं, पी क्यू, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल। तो अब अगर आपको वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल अगर पता है स्लैक बस में, तो क्या नहीं पता है हमको, ऑब्वियसली पी और क्यू नहीं पता। तो ये हो जाती है आपकी कौन सी, स्लैक बस। वी और डेल्टा नोन, पी और क्यू अननोन। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाता है कौन सी बस में, लोड बस में। लोड बस में पी और क्यू वेरिएबल्स नोन है, तो वी और डेल्टा अननोन है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बचेगा, जनरेटर बस। जनरेटर बस जिसको अपन पीवी बस भी बोलते हैं, जैसे कि लोड बस को अपन पीक्यू बस बोलते हैं, वैसे ही जनरेटर बस को हम बोलते हैं क्या, पीवी बस, क्योंकि उसके अंदर पी और वी वेरिएबल स्पेसिफाइड है। तो ऑब्वियसली जो बच जाएगा क्यू और डेल्टा, दैट इज अनस्पेसिफाइड। एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि ये जो स्लैक बस है या जो रेफरेंस बस है, ये कौन सी बस होती है। मैं आप लोगों को बात बता दूं कि जो रेफरेंस बस है या जो स्लैक बस है, इसमें आपके यूनिट का सबसे बड़ा जो जनरेटिंग यूनिट होगा आपके पूरे पावर सिस्टम का, वो यहाँ पर ही कनेक्टेड होता है। मतलब जो लार्जेस्ट जो जनरेटिंग यूनिट होगा, जो सबसे ज़्यादा मेगावाट्स का जो पावर प्लांट होगा, वो यहीं पर कनेक्टेड होगा, रेफरेंस बस या स्लैक बस पे। इसको बस नंबर वन भी अपन बोलते हैं। और यहाँ पर ही जितने भी लॉसेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जितने भी एक्टिव रिएक्टिव जो लॉसेस हैं, वो सारे के सारे इसी बस से कवर किए जाते हैं। थैंक यू।